गाइस गुड इवनिंग। तो आप लोगों का कॉस्टिंग का पेपर, सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस का जो पेपर है वो आप लोगों का हो चुका है। और जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो भैया इस टाइम पे बल्ले बल्ले मूड में हैं, वो तो एकदम जबरदस्त खुश हो रखे हैं, बहुत जबरदस्त वो लोग खुश हैं। और खुश होने का कारण भी बनता है क्योंकि आज का आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा गया है। तो मेजरली मेरे पास में सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका फोन आ रहा था, उनका मैसेज आ रहा था और सभी बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया कि उनका जो सी ए फाइनल कॉस्टिंग SCMPE का पेपर है वो बहुत 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 जबरदस्त हुआ। अभी लास्ट जो मेरे पास कॉल आया था, दैट स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर मेरे को 95 मार्क्स का जो पेपर है, अटेम्प्ट मैंने पूरे 100 मार्क्स का पेपर किया है और 95 मार्क्स का जो पेपर है उसके बारे में मैं श्योर हूं कि मैंने काफी हद तक ये पेपर सही किया है एंड आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और वो बता रहा था कि सर हम लोग जितने भी दोस्त थे सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और सीए फाइनल कॉस्टिंग के ओवरऑल सभी बच्चों का यही व्यू मुझे मिला। अब जब पेपर मेरे पास में आया तो मैंने पेपर को देखा और पेपर को देख करके मुझे पता चल गया कि आप लोगों का पेपर इतना अच्छा क्यों हुआ है। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पेपर जो है ये बिल्कुल अटेम्प्टेबल साइज का पेपर है, मतलब 3 घंटे के हिसाब से बनाया हुआ पेपर है और 3 घंटे में इस पेपर को आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो पेपर है वो ज्यादातर बच्चों ने 90 मार्क्स के करीब पेपर हर बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, 3 आवर्स के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से ये पेपर बनाया गया है। दूसरा दोस्तों ये पेपर बहुत सिंपल है और इस पेपर के सिंपल होने का रीजन है कि इसमें ज्यादातर सवाल, मोस्टली जितने भी क्वेश्चन मैं देख पाया, मोस्टली जो ज्यादातर सवाल थे, मैं सारे तो नहीं बोलूंगा पर ज्यादातर सवाल आपके स्टडी मटेरियल RTP और MTP से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो आपके स्टडी मटेरियल RTP MTP से पूछे हुए थे और जो क्वेश्चन RTP MTP स्टडी मटेरियल से नहीं थे वो क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी थे और आप लोगों ने बहुत 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 आराम से इस पेपर को सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, यहां तक कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आप लोगों के आया वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑब्वियस ही बात है पेपर बहुत ईजी आया है पेपर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऑलरेडी किए हुए थे इसलिए ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत सिंपल पेपर था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये पेपर जो है वो सिंपल था और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू सिलेबस में ज्यादातर बच्चे इस बार कॉस्टिंग का जो पेपर है ये एग्जेम्पशन लेकर के आएंगे। तो कॉस्टिंग का जो पेपर है वो तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट है, आगे आने वाले 3 पेपर के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस का जो पेपर है ये तुम्हारा पक्का इस बार एग्जेम्प्ट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगले 3 पेपर के लिए बहुत जमकर के तैयारी करनी है। एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं मैसेजेस हैं और कुछ जो बच्चों के मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड होकर के आ रहे थे, कुछ वीडियोस मेरे पास फॉरवर्ड होकर आ रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये पेपर पूरा पेपर हमारी टेस्ट सीरीज से था। तो दोस्तों मैं यहां पर आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि भैया ये टेस्ट पेपर किसी की टेस्ट सीरीज से, किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं है। ये पेपर जो है ये बेसिकली आसान पेपर है, ये सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल RTPs और MTP के जो क्वेश्चन है वहीं से पूरा का पूरा पेपर एज इट इज पूछा गया है। ठीक है, दैट इज दी ओनली रीजन ये पेपर सिंपल है। ठीक है, तो पेपर सिंपल भी था, ये किसी के टेस्ट पेपर में से नहीं है, ये किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं है, ये सिंपल सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटीरियल RTP और MTP का क्वेश्चन पेपर है। वैसे अगर इस हिसाब से बोला जाए तो भैया यहां पर मैं भी क्लेम करना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं ये पूरा पेपर मेरी बुक से आया है और सी इंस्टीट्यूट को मुझे धन्यवाद अदा करना चाहिए कि मैंने उनको ये क्वेश्चन उनको एग्जाम में पूछने की परमिशन दी है। ठीक है, तो दोस्तों इट वॉज ऑल फन, मैं मजाक कर रहा हूं इस बात के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है मेरी बुक के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटीरियल RTP MTP उन्हीं के क्वेश्चन मेरी बुक में डले हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अगर पेपर स्टडी मटेरियल से आएगा तो ऑब्वियस ही बात है पेपर मेरी बुक से भी आएगा। ठीक है, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर दिस, ये पेपर मेरी बुक से आया है, मैं इस बात का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता भैया। ये पेपर मेरी बुक से नहीं, ये पेपर सबकी बुक से आया है और ये सबकी बुक से इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर स्टडी मटीरियल RTP और MTP पर बेस्ड है। सो एंजॉय करो आप लोग, आज आपका दिन है, आज आपके आपकी खुशी का दिन है। सबसे टफ पेपर जो माना जाता है सीए फाइनल कॉस्टिंग SCMPE
वो पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। अब आगे के पेपर कैसे भी हो लेकिन ये पेपर तुम्हारा एग्जेम्प्ट है और मुझे नहीं लगता ये पेपर तुम्हें दोबारा देने की जरूरत पड़ेगी। ओके, गुड लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अपन लोग एग्जाम के बाद इस पेपर के सोल्यूशन के साथ में।